Red Weekend Stash. Red Weekend Stash. It must be very difficult for you guys कि मतलब to come up with content and then think कि भाई किसको offend करेगा, क्या करूँगी मैं, क्या करूँगा या पता नहीं क्या मतलब. नहीं हमने पहले भी मुझे बताइए कि पहले तो आपका वन बाय वन मुझे बताइए निधि, तुम्हारा AIB के रोस्ट पे क्या टेक है, जो हुआ गालियाँ बकी गई, एक दूसरे की टांग खींची गई जी, एक मच्योर ऑडियंस थी अलेजेडली क्योंकि बाहर की तो, और फिर इसको इंटरनेट पर डाला गया जहाँ पर लोग बड़े बहुत खफा हो गए. आई थिंक दो चीजें हैं. मैं पूरे AIB कंट्रोवर्सी के बाद मैं बहुत सोच रही थी, तो मुझे लगता है पर्सनली अकेले बैठ के जिसने भी ये कंटेंट देखा है अपने घर पे उसने थरली एंजॉय किया है. मैं ये बात मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हूँ कि जिसने भी अकेले बैठ के देखा है उसने ये कंटेंट एंजॉय नहीं किया है. अब जैसे ही बात कोई आती है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में या जनरली कोई पूछ लेता है कि कैसा लगा, तो अब आपको लगता है कि मेरी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है और मेरे को इस सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत कुछ तो एक स्मार्ट आंसर, कुछ डिप्लोमेटिक स्मार्ट आंसर देना पड़ेगा. तो लोग बोलते हैं कि नहीं कंटेंट आप जैसा भी बना रहे हैं लेकिन आपकी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए, बच्चे होने चाहिए वो. उससे मैं भी एग्री करती हूँ. मैं ऐसा कंटेंट आई डोंट माइंड द कंटेंट, मैंने देखा मुझे अच्छा लगा, एज अ चॉइस एज अ मेकर मैं शायद ऐसा कंटेंट कभी बनाना नहीं चाहूंगी फॉर whatever मेरे पर्सनल रीजंस, बट मतलब मुझे कंटेंट से कोई प्रॉब्लम नहीं है. नहीं मुझे कंटेंट से कोई प्रॉब्लम. दीपक उनमें से एक आमिर खान भी थे जिन्होंने, तो तुम्हारा क्या कहना है इसके बारे में? आमिर मतलब मैं मेरा ऑलमोस्ट स्टैंड निधि जैसा ही है. मुझे लगता है यार अगर कोई बना रहा है अब्यूजिव कंटेंट और उसकी अपनी ऑडियंस है तो हु आर वी टू टेल देम कि नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते. तो कंटेंट बना रहा है और अगर लोग एंजॉय कर रहे हैं तो वो देख सकते हैं. वीडियो को पुल डाउन करना गलत था और मोस्ट प्रॉब्ली आमिर भी यही कह रहे थे जैसा मैंने देखा था उनके उसमें, कि उन्होंने भी यही कहा था कि एक रेस्ट्रिक्शन में रहना चाहिए लेकिन अगर कोई बना रहा है तो उसको रोकना नहीं चाहिए. एक रिस्ट्रिक्शन में रहना चाहिए, क्या तुम इस बात से सहमत हो जितेंद्र जीतू केजरू? ऐसे प्यार से सब जीतू ही बोलते हैं, आप जीतू जीतू. हां नहीं मैं ये बोल रहा हूं कि कम ऑन यू आर स्ट्रैपिंग 23 ईयर ओल्ड, यू लाइक वाचिंग ऑल दिस. जब एंड में करण जौहर ने वो किया. नहीं मुझे लगता है कि यदि कोई ऐसा मतलब लिमिट्स तो है नहीं ना कि कोई कहीं भी ऑफेंड हो सकता है. तो एज अ क्रिएटर तो मैं मतलब मैं तो डर के बनाऊंगा. मैं तो मतलब डर के बनाना नहीं चाहिए पर मैं डर के बनाऊंगा कि सेफ प्ले कर जाऊं और उसी में लोगों को एंटरटेनमेंट दे. क्योंकि एक चीज वो भी है यार कि एट द एंड ऑफ द डे हमें ऐसे सोचना पड़ेगा कि मेरा कॉन्टेंट मेरी ऑडियंस तक पहुंच तो जाए. अभी तो ऐसा लग रहा है कि मैं कितनी भी मेहनत करके अपना कॉन्टेंट बना लूं वो शायद क्योंकि कोई ना कोई लोड कर लेगा, कोई कुछ कर लेगा. तो हालांकि उसी डर की बात कर रहे थे, वो डर नहीं होना चाहिए. फ्रीडम ऑफ स्पीच वही है. डर बहुत गलत चीज है किसी भी क्रिएटर के लिए. मैं इन जनरल लाइफ में डरा रहता हूँ तो मैं अपने कैरेक्टर के साथ ही खेलना चाहूंगा.